हेलो ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमोना व्लॉग्स एंड आई एम सुहानी। एंड अगर आप नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर तो प्लीज़ कर देना बिकॉज आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज। अच्छा, तो आप में से कितने सारे लोग हैं जो मुझे IMC की वीडियोज़ से जानते हैं? अगर आप लोग अभी तक मुझे देख रहे हो देन आई एम रियली ग्रेटफुल गाइज। आपने अभी तक मेरा साथ दिया है और आप लोग दोगे। एंड जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, आई होप सब्सक्राइब करके जाना, आपको इस चैनल से सिर्फ अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी, अच्छा कंटेंट ही मिलेगा। मतलब मैं और मेरी मम्मी दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं अच्छा कंटेंट लाने के लिए, अच्छी चीज़ों को लाने के लिए। अपने सिस्टम को हम लोग चेंज कर रहे हैं, अपने सेटअप को चेंज कर रहे हैं। सो या ठीक है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हिमालयन बेरी के फ़ायदे। सो विदाउट एनी फर्दर टू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर आप लोग IMC को पसंद करते हो, IMC को लाइक करते हो, तो मेरे चैनल पे आपको IMC के और भी वीडियोस मिल जाएंगे। उन सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने IMC से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, मैं आगे बनाने वाली हूँ। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, और अगर आपकी वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ हिमालयन बेरी के बारे में। हिमालयन बेरी के में एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है जो कि हमारा सी बकथॉर्न, जो कि मतलब एक ही कोई दवाई नहीं है, बेसिकली एक जूस है जिसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए। अब वो क्या क्या है और ये किस किस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाता है वो मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली कुछ ऐसी ये प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिजीज, कुछ बीमारियाँ हैं जिससे ये आपको ये राहत देता है हिमालयन बेरी अगर आप पीते हो तो। हिमालयन बेरी में आपको मिल जाता है ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9। एंड इसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट है सी बकथॉर्न। एंड 190 से ज़्यादा इसमें मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं। ये आपको अल्सर से रिलीफ देता है, मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, अगर आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, उसमें मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ एलर्जीज, एलर्जी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड रिलेटेड टू एनी सॉर्ट ऑफ पेन, जैसे कि जोड़ों का दर्द, मसल पेन, मसल क्रैम्प्स, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हार्ट डिसीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ये। एंड रिलेटेड टू योर ओबेसिटी और फैट वेट गेनिंग, या अगर आप एकदम से आपका जो वेट है वो गेन हो गया, एकदम से आप लूज हो गया वेट, तो उस प्रॉब्लम से भी काफ़ी रिलीफ देता है। आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशेंसी नहीं होती है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि किसी की बॉडी में जिंक की कमी है, किसी की बॉडी में विटामिन ए की कमी है, तो वो जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उसकी कमी पूरी करने के लिए अगर आप उसको ड्रिंक करते हो जूस को, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। और ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक गाइड कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ रिलेटेड टू दिस, ठीक है। एंड BP के लिए बहुत अच्छा है, आपकी BP को नॉर्मल रखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके ब्लड को ना एकदम क्लीन करता है, साफ़ कर देता है एकदम से। एंड रिलेटेड टू ऑल योर ओवरऑल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं उस सब से भी आपको काफ़ी ज़्यादा छुटकारा दिलाता है। तो देखा आपने इसके ओमेगा 7 के कितने सारे फ़ायदे हैं, हिमालयन बेरी कितने सारे फ़ायदे हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ आप इसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। बाय।